नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग दोस्तों। नया हफ्ता और द सिनेमा शो का नया एपिसोड। मैं हर्षिता सिनेमा की दुनिया की तमाम जरूरी खबरें लेकर हाजिर हूँ। तो शुरू किया जाए। शुरुआत उस खबर से जिसने पूरी दुनिया को संग करके रख दिया। हॉलीवुड एक्टर चैडविक बोसमैन का 29 अगस्त को निधन हो गया। वे 43 साल के थे। कुछ सालों से आंत के कैंसर से लड़ रहे थे। हम उनको मार्वल सीरीज की ब्लॉकबस्टर फिल्म ब्लैक पैंथर के मुख्य किरदार के रूप में जानते और बेहद पसंद करते रहे हैं। उनकी मौत के बाद उनके ट्विटर अकाउंट पर उनकी टीम ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट पोस्ट किया था। वो ट्वीट ट्विटर के इतिहास का सबसे ज्यादा लाइक किया हुआ ट्वीट बन गया है। ट्विटर के आधिकारिक हैंडल से इसकी पुष्टि की गई है। इस ट्वीट को अब तक 7.3 मिलियन यानी कि 73 लाख लोग लाइक कर चुके हैं। दूसरे नंबर पर बराक ओबामा का ट्वीट है जो उन्होंने नस्ल भेद पर 2017 में किया था। उसके 4.3 मिलियन लाइक्स हैं। हमारी दूसरी खबर माधुरी की 29 साल पुरानी फिल्म साजन से जुड़ी है। 1991 में आई डायरेक्टर लॉरेंस डिसूजा की ब्लॉकबस्टर फिल्म साजन की रिलीज को 29 साल पूरे हो गए हैं। फिल्म की हीरोइन माधुरी दीक्षित ने ट्वीट करके बताया कि क्यों उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ते ही तत्काल ये फिल्म साइन कर ली थी। उनके मुताबिक स्टोरी रोमांटिक थी, डायलॉग्स शायराना थे और म्यूजिक तो शानदार था। माधुरी की ये तमाम बातें बाद में सच साबित हुई। न सिर्फ ये फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट रही बल्कि इसके म्यूजिक ने भी जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की। आज भी साजन के गाने पसंद किए जाते हैं। संगीतकार नदीम श्रवण की जोड़ी को इसके लिए फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला था। साजन अमन और आकाश नाम के दो दोस्तों की कहानी है जिन्हें पूजा नाम की एक ही लड़की से प्यार हो जाता है। तीसरी खबर ने मुझे बड़ी खुशी दी। कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 12 का काम प्रगति पर है। अब शो का प्रोमो रिलीज हुआ है। अमिताभ बच्चन ने अपने इंस्टाग्राम पर इसे शेयर भी किया। इसमें कंटेस्टेंट 1000 रुपए जीतने पर खुशी मनाता है। अमिताभ पूछते हैं कि सिर्फ 1000 रुपए जीतने पर इतनी खुशी? जवाब आता है, मैं 500 रुपए से बिजनेस शुरू करके उसे 10 करोड़ तक ले गया था, फिर सब खत्म हो गया, इस बार 1000 से शुरू करूंगा। इसके बाद अमिताभ कैमरे की तरफ मुड़कर कहते हैं, सच है दोस्तों, जो भी हो सेटबैक का जवाब कमबैक से दो। केबीसी 12 जल्द ही सोनी टीवी पर टेलीकास्ट होगा। अब बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत केस की। रिया चक्रवर्ती से सीबीआई लगातार चौथे दिन पूछताछ कर रही है। रिया से पूछताछ 28 अगस्त से शुरू हुई थी। साथ ही सीबीआई अब सुशांत की बहन नीतू सिंह और उनके पति से भी पूछताछ करेगी। इससे पहले ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय भी नीतू सिंह से पूछताछ कर चुका है। नीतू सिंह एक और वजह से भी चर्चा में है। सुशांत की एक्स मैनेजर श्रुति मोदी के साथ उनकी चैट सामने आई है जिसमें श्रुति और नीतू की सुशांत के डिप्रेशन से संबंधित बात हुई दिखाई देती है। इस बातचीत में नीतू श्रुति से डॉक्टर्स और दवाइयों के बारे में पूछ रही हैं। जवाब में श्रुति उन्हें प्रिस्क्रिप्शन भेजती है। ये चैट 26 नवंबर 2019 की है और उस दावे के उलट है जिसमें सुशांत के परिवार की तरफ से कहा गया था कि उन्हें डिप्रेशन के बारे में कोई खबर नहीं है। उधर गोवा बेस्ड होटल व्यवसायी गौरव आर्या से प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ करेगा। शनिवार को ईडी द्वारा गौरव आर्या को समन जारी किया गया। ईडी सुशांत केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच कर रहा है। गौरव आर्या वही शख्स हैं जिनके साथ रिया चक्रवर्ती ने कथित तौर पर ड्रग्स के बारे में बात की थी। दुनिया भर के कई हिस्सों में सिनेमा हॉल्स धीरे धीरे खुल रहे हैं। ऐसे में मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि MAI ने कुछ प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स के साथ मिलकर केंद्र से गुहार लगाई कि वो सिनेमा हॉल्स खोल दें। MAI के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से सपोर्ट मूवी थिएटर्स हैशटैग के तहत ट्वीट किए गए। बोनी कपूर, परवीन डबास, अभिमन्यु और शिवाशीष सरकार जैसे प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स ने इस बात का सपोर्ट किया। इन सब का कहना है कि जब मेट्रो मॉल रेस्टोरेंट जैसी जगहें खुल सकती हैं तो फिर सिनेमा हॉल क्यों नहीं। इससे लाखों लोगों की जिंदगियां और रोजगार जुड़ा है। देश भर में मार्च एंड से लगे लॉकडाउन के बाद से ही सिनेमा हॉल्स बंद हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती निशाने पर है। सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर तमाम तरह की भद्दी बातें कही गई हैं। इस बात को लेकर अब एक्ट्रेसेस लक्ष्मी मांशु और तापसी पन्नू ने ट्विटर पर अपनी राय रखी है। तेलुगु एक्ट्रेस लक्ष्मी मांशु ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि उन्हें मुल्क की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और वो किसी की भी ऑनलाइन लिंचिंग की मुखालफत करती हैं। उन्होंने अपने इंडस्ट्री के साथियों से आगे आने के लिए कहा। इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए तापसी पन्नू ने लिखा, न्यायपालिका से अलग जाकर उस शख्स को दोषी करार देना कितना गलत है जिसे अभी अदालत में दोषी नहीं ठहराया गया है।
हमें मुल्क के कानून में यकीन करना चाहिए। कहना ना होगा कि इसके बाद इनकी भयंकर रूप से ट्रोलिंग भी हुई। अन्य खबरों में लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर जिस बिल्डिंग में रहती हैं, उसे बीएमसी ने सील कर दिया है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार प्रभुकुंज नामक इस इमारत में 11 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की खबर थी। इमारत में उम्रदराज लोगों की संख्या ज्यादा होने की वजह से बीएमसी ने सावधानीवश बिल्डिंग सील कर दी है। हालांकि लता मंगेशकर के परिवार ने बयान जारी कर कहा है कि वो सब सुरक्षित हैं और लोग अटकलें ना लगाएं। एक्टर मनोज वाजपेयी और डायरेक्टर अनुभव सिन्हा फिर से एक साथ काम करने वाले हैं। पहले कब काम किया था, जैसे सवाल करने वालों को बता दें कि अनुभव सिन्हा ने 26 साल पहले शिकस्त नामक एक सीरियल डायरेक्ट किया था जिसमें मनोज ने काम किया था। अब चौथाई सदी से ज्यादा समय बाद दोनों फिर एक साथ काम कर रहे हैं। मनोज वाजपेयी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी, कहा कि 25 साल बाद एक दोस्त के साथ काम करूंगा जिसे मैं थिएटर के दिनों से जानता हूं। अनुभव सिन्हा ने भी भोजपुरी में लिखा कि इसके साथ काम करके 26 बरस हो गए। अनुभव सिन्हा ने बीते सालों में आर्टिकल 15, मुल्क और थप्पड़ जैसी सशक्त फिल्में दी हैं। कहना ना होगा इस जुगलबंदी का सबको इंतजार रहेगा। अब खबर है टीवी की दुनिया से। इंडियन टेलीविजन का स्टंट शो खतरों के खिलाड़ी मेड इन इंडिया खत्म हो गया है। ये शो पहली बार इंडिया में फिल्माया गया था। इसे नागिन सीरियल फेम एक्ट्रेस निया शर्मा ने जीत लिया है। शो के फाइनल राउंड में निया शर्मा के साथ अली गोनी, करण वाही, जैस्मिन भसीन और भारती सिंह थे। निया शर्मा ने जीत के बाद रोहित शेट्टी के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। निया के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो शायद बिग बॉस 14 में नजर आ सकती है। और अब बारी है आज की आखिरी खबर की। आलिया भट्ट संजय दत्त की फिल्म सड़क दो की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पहले ट्रेलर और गानों पर डिसलाइक्स की बाढ़ आ गई, फिर क्रिटिक्स ने मूवी को बेहद खराब बताया और अब आईएमडीबी पर फिल्म की रेटिंग भी पाताल छू रही है। आईएमडीबी पर इसे सिर्फ एक रेटिंग मिली है, तमाम भारतीय फिल्मों में ये सबसे कम है। इससे पहले ये रिकॉर्ड अजय देवगन की हिम्मत वाला के नाम था जिसे 1.8 रेटिंग मिली थी। लोएस्ट रेटिंग का रिकॉर्ड बनाने के साथ ही सड़क दो आईएमडीबी की बॉटम 250 लिस्ट में भी शामिल हो गई है। जाते जाते आपको साजन के ही एक गीत के साथ छोड़ जाते हैं जिसका जिक्र ट्विटर पर माधुरी ने और हमारे शो में हमने किया था। समीर का लिखा ये गीत तमाम प्रेमियों का एंथम हुआ करता था, आज भी है। समीर लिखते हैं, कैसे कहूं बिना तेरे जिंदगी क्या होगी, जैसे कोई सजा कोई बद्दुआ होगी। मैंने किया है ये फैसला, जीना नहीं है तेरे बिना, जिए तो जिए कैसे बिन आपके। आज के शो में बस इतना ही। कल फिर आपकी खिदमत में नया एपिसोड लेकर हम हाजिर हो जाएंगे। देखते रहिए द लल्लन टॉक।